अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, बेहतरीन होंगे। खुश रहिए, योगा कीजिए। आज जो एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसका नाम है वॉरियर। इसको संस्कृत में वीर बहादुर कहा जाता है और इसको जंगजू, उर्दू में जंगजू कहा जाता है। जैसे जंगजू सिपाही जो है वो हर वक्त तैयार रहता है, इसे वॉरियर पोज करने वाला हर वक्त तैयार रहता है। ये थोड़ी सी सख्त एक्सरसाइज है, आप अगर रेगुलर योगा कर रहे हैं तो आप वॉरियर ज़रूर करें और वॉरियर के 2-3-4 राउंड ज़रूर कीजिए। और अगर आप बिगनर हैं तो पहले 1 महीने तक सिंपल एक्सरसाइजेस करें, उसके बाद वॉरियर करें। तो सबसे पहले आइए मैं आपको वॉरियर 1 और वॉरियर 2 का प्रोसीजर बताता हूँ। तो आइए वॉरियर 1 करते हैं। पैर सीधे करें सबसे पहले और उसके बाद राइट फुट को आगे लेकर आए, राइट फुट को आगे लेकर आए। आप अपने पैरों में गैप इतना रखें जितना आपकी बॉडी इजाज़त हो। आपका चेहरा राइट फुट की तरफ हो, सामने की तरफ हो, चेहरा आपका राइट फुट की तरफ हो, सामने की तरफ हो। और अब राइट घुटने को मोड़ें, राइट घुटने को मोड़ें और ये बाजू आपके शोल्डर्स के बराबर, चेहरा आपका सामने की तरफ, कमर आपकी सीधी, कमर को सीधी रखें। इस पोजीशन में आप स्टे करें कम से कम 30 सेकंड तक, और आपकी स्टेमिना अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी आप स्टे कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीथिंग करें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दोस्तों योगा करते वक्त आपके चेहरे के जो तासरात होने चाहिए, स्माइल होनी चाहिए। आप चेहरे पे सख्ती के तासरात ना रखें, चेहरे को रिलैक्स रखें और फील करें कि आपकी बॉडी को कहाँ कहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है। अब यहाँ पे वॉरियर 1 करते हुए ये मेरे थाइस जो है, दोनों थाइस वो स्ट्रेच हो रहे हैं, मेरे शोल्डर्स स्ट्रेच हो रहे हैं, मेरी कमर जो है वो स्ट्रेच हो रही है। तो शोल्डर्स को फ़ायदा ज़रूर होगा, कमर को फ़ायदा होगा और मेरी थाइस को फ़ायदा होगा, घुटनों को फ़ायदा होगा। इनहेल करते हुए वापस आए, एक्सहेल करते हुए दोबारा अपने पैर सीधे कर लें। पैर सीधे करने के बाद अब सेम एक्सरसाइज वॉरियर 1 लेफ्ट फुट से करेंगे। अब लेफ्ट फुट को आगे लेकर आएंगे, इतना आगे लेकर आएं जितना आपकी बॉडी इजाज़त दे। स्टेप को बढ़ाते रहें ताकि आपके जो जॉइंट्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, उनकी मोबिलिटी बढ़े। अब घुटने को, लेफ्ट घुटने को मोड़ें, दोनों बाजू पुलों के बराबर, चेहरा आपका सामने की तरफ, घुटने की तरफ, पैर की तरफ, लेफ्ट फुट की तरफ, और इस पोजीशन में स्टे करें। चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, पूरी बॉडी को रिलैक्स रखें और इनहेल एक्सहेल करें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। इस पोजीशन में आप 30 सेकंड स्टे करें कम से कम, और अगर आपकी स्टेमिना अच्छी है तो कुछ और भी ज़्यादा, 40 या फिर 1 सेकंड या फिर 1 मिनट तक स्टे करें। इनहेल एक्सहेल नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहें, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। आप आइए, अब आपको वॉरियर 2 का प्रोसीजर बताता हूँ। सेकंड एक्सटेंशन वॉरियर 2, पैर सीधे करें, पैर सीधे कर लिए, राइट फुट को आगे लाएं, राइट फुट आगे, राइट घुटने को मोड़ें, राइट घुटने को मोड़ें, गैप बढ़ाएं, गैप बढ़ाएं, लेफ्ट लेग जो है पीछे की तरफ सीधी होगी, इस मरतबा दोनों बाजू ऊपर और कमर से बॉडी को पीछे की तरफ खींचेंगे, कोशिश करेंगे बॉडी को सीधा रखें, आर्म्स आपके सीधे होने चाहिए। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दोस्तों फील कीजिए कि आपके बॉडी के कौन से पार्ट जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं और किस हिस्से के मसल्स और कौन से जॉइंट्स एक्टिवेट हो रहे हैं। फीलिंग के साथ योगा की जाती है,
योगा फीलिंग के अलावा और ब्रीथिंग के अलावा कुछ भी नहीं। अगर आप फीलिंग के साथ और ब्रीथिंग के साथ योगा करेंगे तो आपको उसके बेशुमार फायदे होंगे। इस पोजीशन में 30 सेकंड कम से कम स्टे करें और आपकी स्टेमिना अच्छी है तो आप इसको बढ़ाएं 40 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट तक स्टे कर सकते हैं। इनहेल आप। अब आइए सेम एक्सरसाइज लेफ्ट फुट से करें। लेफ्ट फुट, दोनों पैर पहले मिलाएं, दोनों पैर मिलाने के बाद लेफ्ट फुट को आगे लेकर आएं। लेफ्ट फुट को आगे लेकर राइट फुट को थोड़ा सा राइट की तरफ मोड़ लें और लेफ्ट घुटने को मोड़ें। अब दोनों बाजू ऊपर, सीना पीछे की तरफ, चेहरा बिल्कुल घुटने के सामने और इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। फील कीजिए आपके बॉडी के कौन से पार्ट्स जो हैं उनकी स्ट्रेचिंग हो रही है, कौन से जॉइंट्स जो है वो एक्टिवेट हो रहे हैं, कौन से मसल्स एक्टिवेट हो रहे हैं। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दोस्तों इस पोजीशन में आप 30 सेकंड स्टे करें या फिर आपकी स्टेमिना अच्छी है तो 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट या फिर 2 मिनट तक आप स्टे कर सकते हैं और उसके बाद इनहेल करते हुए वापस इनहेल और एक्सहेल करते हुए रिलैक्स करें। रिलैक्स करने के बाद नॉर्मल ब्रीथिंग करें। ब्रीथिंग करने का तरीका ये है कि हाथों को इस तरह से या अंगूठे एक दूसरे के साथ मिलाकर और यहाँ पे जो वाइब्रेशन होती है, हार्ट बीट होती है, उसको थोड़ा सा ब्लॉक करके उसको दबा के फिर ब्रीथिंग की जाती है। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। दोस्तों योगा में ब्रीथिंग का बहुत ही बड़ा किरदार है तो आप ब्रीथिंग जरूर कीजिए हर पोस्चर के बाद। आप अगर कंटिन्यूस योगा कर रहे हैं तो हर पोस्चर के बाद आप कम से कम 5 मरतबा इनहेल और एक्सहेल करें और 5 मरतबा इनहेल एक्सहेल करने से आपकी जो पहले वाली थकान होती है वो दूर हो जाती है और जो है आपकी बॉडी दोबारा नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 100% रेडी हो जाती है। और पूरा सेशन अगर आप 1 घंटा कर रहे हैं या 40 मिनट कर रहे हैं योगा तो आप जो है हर पोज के बाद अगर ब्रीथिंग करते हैं और पोजिंग के दौरान भी ब्रीथिंग करते हैं तो आपको थकान नहीं होती, आप फ्रेश रहते हैं। और योगा करते हुए लास्ट जो एक्सरसाइज की जाती है, फुल सेशन जब योगा की जाती है तो उसमें लास्ट सेशन जो होता है वो मेडिटेशन का होता है, वो आपके माइंड को रिलैक्स कर लेता है तो उससे आपकी बॉडी और ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है और योगा के बाद जो है लोग आदमी बहुत ही फ्रेश महसूस करता है, थका हुआ नहीं महसूस करता। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के फ़वाद तो आपने जान लिए कि आपके शोल्डर्स को फ़ायदा होता है, थायराइड ग्लैंड में फ़ायदा होता है, आपके रानों को फ़ायदा होता है, आपके घुटने मजबूत होते हैं, टांगे मजबूत होती हैं, टांगों में दर्द अगर है तो वो कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और आपके शोल्डर्स बेहतरीन हो जाते हैं, आपकी जो लोअर बैक कमर को फ़ायदा होता है, उसकी साइज़ भी कम होती है, पेट की चर्बी बर्न होती है और जनरली ये बॉडी को जो है वो एक सिपाही की तरह, जो है सोल्जर की तरह स्ट्रांग बनाती है। और इसके प्रिकॉशंस ये हैं कि अगर आपको कमर दर्द है और पुराना है, शदीद है, तो आप पहले सिंपल एक्सरसाइजेस करें, आपकी सर्जरी स्पेशली पेट की सर्जरी हुई हो तो भी फिर आप इसको अवॉइड करें, आपको घुटनों का शदीद दर्द है तो भी इस एक्सरसाइज को अवॉइड करें। थोड़ी सी सख्त एक्सरसाइज है इसलिए वीर बहादुर आसन करने से पहले आप जो है 1 महीने तक रेगुलरली सिंपल एक्सरसाइजेस करें ताकि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए और उसमें फ्लक्चुएशन आ जाए, उसकी मूवमेंट आ जाए, जॉइंट आपके जो है वो क्लियर हो जाए, उसके बाद आप वीर बहादुर करें। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये आज की जो एक्सरसाइज है, वीडियो है जो वो पसंद आई होगी। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को हद से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, और आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट लाजमी करें, दोस्तों आपके कमेंट का बहुत ही हमें इंतज़ार रहता है, उसके मुताबिक हम अपनी एक्सरसाइजेज जो है वो फ्रेम करते हैं और आपकी ज़रूरत के मुताबिक हम एक्सरसाइजेज को फ्रेम करेंगे। आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ, किसी और एक्सरसाइज के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।